नमस्कार वीक्षक यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस तमगेलू स्वागत नानु तौसीफ नाळे विजयपुरक्के पुष्पेंद्र अवरु बर्ता इद्दारे अवरु 15ने तारीखिगे अवरु बरलिक्के नमदेन अभ्यंतर इल्ल आदरे अवरु ही इज फेमस फॉर हेट स्पीच अंद्रे मुसलमानरि बयुदु अवर अवर बग्गे अपशब्द यूज माडुदु इवरिगे देश बिट्टु ओडिसरि अन्नोदु इंत विचारगळन्नु अवरु अवरु इड्तारे जनर मुंदे आदरे नम्मल्लि एनागिदे अवर आल्वेज लविंग द पीस लविंग पीपल नाउ मुस्लिम्स आंड हिंदूज इल्ली नावु अंतर्मुखतेदीवि इवत्तिनवरेगू तावु नोडबहुदु एरडु सल नम्म शासकरन इद्दार बीजेपी अवरु इद्दार अवरु इद्दार अंत अंद्रु अवरदु कडेयिंदु एनु नम्म समाजक्के एनु तोंदरे इल्ल अवर जन और जन नम जन कूड़ी हाँतार आर्स बड़ा एम एल हाँतार इन ओपार नम मुद्दे वोट हाकर अंत नावेल एस पी डी एस पी एस पी साहेब्री भेटी नावे कार्यक्रम के पर्मिशन को नमेल आग्रह नावेल ऐसी बंदी मत और नम्बर आश्वासन कूड़ा कोटदार यहा कल के ना अल आगलार्ती अंत या नमल विजयपुर ऐन इट इस आलवेज फेमस फॉर् पीस आंड कम्युनल हार्मनी याकंद्रे इल्ली बसवेश्वर हुट्टिद्दु नम्म जिले आदिलशाहीवरु राजमाडिद्दु जिले श्री सिद्धेश्वरवरु इल्लिद्दवरु एल्लरू सिद्धेश्वर स्वामीगळु कूड मोन्ने अगलिदवरु अवरु कूड आवागलू हेट स्पीच माडिल्ल ओब्बरिगे बयदु ओब्बर बग्गे जाति निंदने माडोदु आ समाजक्के कंडे माडोदु ई रीति यावु माडिल्ल ईग अवरु नाळे बंद नंतर केलवोंदु यंगस्टर्स इतारेन अस्ट नॉलेज इोहर पुरोग आगे ऐन अहितक घटने आगबार्थ नावेलो एस पी साहेब्री आग्रह एम एम सुतार एडवोकेट बीजापुर आज के दिन यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और की टीम और सभी जो है साथ में प्रगतिपुर संगठन के जिम्मेदारान और हमारे एम एम सुतार साहब की एक एडवोकेट की एक टीम जो है सारे बीजापुर के जो है एक संगठन के जिम्मेदार मिलकर एसपी साहब को एक मनवी देने के लिए आए थे, जिसका मकसद ये था कि 15 अगस्त के दिन जो है पुष्पेंद्र नामी जो है एक जर्नलिस्ट जो कि अपने हमेशा अपने स्पीचेस के अंदर एक जहर उगलता रहता है, आने वाले जो है आवाम को जो है एक रॉन्ग मैसेज जो है इस्लाम के मुतालिक होंदे या फिर मजहबी मुतालिक होंदे वो जो है एक रॉन्ग मैसेज जो है आवाम को हमेशा से देता और उनके जहनों में जो है जहर उगलता रहता है, तो इसके खिलाफ जो है आज हम लोगों ने जो है एसपी साहब को मेमोरेंडम दिया है और एसपी साहब ने हमें जो है आश्वासन दिया है इस बात का कि उसको आने से रोका जाएगा और अगर किस किस्म की कौन सी भी अगर एक धर्म के खिलाफ अगर हरकत की जाएंगे तो हम एक्शन भी उस पर लेंगे, इस बात का जो है एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है। हमारी यही एसपी साहब से एक निवेदन है कि ऐसे कई कोई भी हो, सिर्फ पुष्पेंद्र ही नहीं, ऐसे कोई भी हो जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं उनको आने से बीजापुर शहर के अंदर रोका जाए, क्योंकि बीजापुर शहर एक सूफी संतों का शहर है। यहाँ पर राम और रहीम एक साथ एक गाड़ी पर घूमते हैं और जो है लक्ष्मण और जो है अली जो है एक बर्तन में खाना खाने वाला शहर जो है ये बीजापुर शहर है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान और करम है और यहाँ पर सूफी संत शहर के अंदर जो है आज तक जो है बीजापुर के अंदर हिंदू मुसलमान झगड़ा यहाँ पर नहीं नज़र आया, हमारे बचपन से हम लोग देखते आए हैं। तो यही माहौल हम लोग बीजापुर के अंदर कायम रखेंगे और राम और रहीम साथ में मिलकर जो है एक साथ घूमेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ पिएंगे और ऐसे जो भी कोम गलबे जो है करने वाले जो लोग रहते हैं इनके सामने जो है हम लोग अपने एक भाईचारा का मिसाल जो है देंगे और बरकरार रखेंगे, बीजापुर शहर को एक अमन और शांति का शहर बरकरार रखेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एसपी साहब का जिन्होंने यहाँ पर एक लंबे अरसे से ड्यूटी अपनी की है और इनके ड्यूटी के अंदर आज तक भी बीजापुर के अंदर एक भी जो है यहाँ पर फसाद जो है बीजापुर के अंदर बरपा नहीं हुआ। मैं बहुत बहुत दिल से जो है एसपी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एडिशनल एसपी साहब का भी शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपना जो है एक लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर बीजापुर शहर में जो है मेंटेन किया हुआ है। बस यही उम्मीद है हमारी कि इसी तरह से बीजापुर शहर और कर्नाटक रियासत और इंडिया मुल्क के अंदर भी जो है सभी ऑफिसर्स अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करते हुए जाएँ और इस मुल्क के अंदर भाईचारे को जो है कामयाब रखें। अभी जो है पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से परमिशन दी गई है क्या? नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक तो कोई परमिशन नहीं दी हुई है, फिर भी इन लोगों का जो है कानून विरोधी काम जो एक्टिविटीज़ में हमेशा से जो है इन्वॉल्व रहते हैं, तो इन्होंने जो है विदाउट परमिशन बीजापुर के हर कोने पर हर जगह पर जो है अपने बैनर्स लगाकर ऐलान किया है और एक किस्म का डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक चैलेंज है, ये एक किस्म का एक चैलेंज है कि आपके बिना परमिशन के बीजापुर शहर में इस किस्म का आदमी आकर अपना प्रोग्राम जो है
कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पुलिस डिपार्टमेंट एक्टिव होकर इन लोगों को जो है आने से रोकें। मेरा नाम अताउल दराक्षी, SDPI जिला सदर। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ SP ಆಫೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಏನಂತಂದ್ರೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಪುಷ್ಪೇಂದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೀಚ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ. ಅದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋದೇನು ನಮ್ಮದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರ ಇರೋದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯುವಕರ ಏನು ಸುಮ್ಮ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಂದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ ಆದಿದಂತ ಹೇಳಿ ಜಗಳ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮದು ಬಿಜಾಪುರ ಯಾವಾಗೂ ಶಾಂತ ಅದ, ಶಾಂತ ಹೋಗಲಿ. ಈ ಥರ ಹೇಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು SP ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮನವಿ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಾತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ನಾಡದ, ನಮ್ಮದು ಶಾಂತಿನೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ನಾಡ ಇಂಥದ್ದು ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಈ ಎಂದ ನಮ್ಮದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಏನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ನಮ್ಮದು ಶಾಂತಿ ಸಂವಾರ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು SP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಏನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಅದರಂತಲೇ ಅವರು SP ಸಾಹೇಬ್ರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ SP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಅವರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾ ಇದು ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಜ್ ಯಹಾ SP ಆಫೀಸ್ ಮೇ SDPI ಔರ್ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಜುಮ್ಮೇದಾರ್ ತಮಾಮ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಔರ್ ಹಮಾರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಜ್ ವಗೈರಾ ಸಬ್ ಆಯೆ ಹೇ ಕೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಸುಶೇಂದರ್ ಜೊ ಏಕ BJP ಲೀಡರ್ ಹೇ ವೋ ಯಹಾಂಪರ್ ಆಕರ್ ಏಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಖೆ ಹೇ ಔರ್ ಉನ್ಕಾ ಪಿಛ್ಲಾ ರಿಕಾರ್ಡ್ ದೇಖೆ ತೋ ವೋ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮೇ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಔರ್ ಲೋಗೋಂ ಕೋ ನೌಜವಾನೋಂ ಕೋ ಉಭಾರನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಬಿಜಾಪುರ್ ಏಕ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಕಾ ದೇಶ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೇ, ಯಹಾಂಪರ್ ಬಹುತ್ ಪೀಸ್ ಸೇ ಹಮ್ ರಹತೆ ಹೇ. ಹಾಲಾಂಕಿ ಯಹಾಂ BJP MLA ರಹನೆ ಪರ್ ಭಿ ಹಮಾರಾ ಬಿಜಾಪುರ್ ಬಹುತ್ ಶಾಂತ ಹೇ. ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ SP ಸೇ ಅನುರೋಧ ಕಿಯೆ ಹೇ ಕೆ ಐಸೆ ಗಲತ್ ಸ್ಪೀಚ್ ದೇಕರ್ ಯಹಾಂ ಕೆ ಲೋಗೋಂ ಕಾ ಜೆಹನ್ ಖರಾಬ್ ಕರ್ನೆ ಸೇ ಉನ್ಕೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾ ದೇಕರ್ ಹಮಾರೆ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕೋ ಪೀಸ್ ರಖೆ. ಯೆ ಹಮ್ ಆಗ್ರಹ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ SP ಸಾಹಬ್ ಭಿ ಹಮಾರೆ ಕೋ ಭರೋಸಾ ದಿಯೆ ಹೇ ಕೆ ವೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋ ಹಮ ಹೋನೆ ನಹೀ ದೇಂಗೆ ಬೋಲ್ ಕೆ. ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕೆ ತಮಾಮ್ ಜನತಾ ಸೇ ಅನುರೋಧ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹಮ್ ಏಕ್ ಹೇ, ಏಕ್ ರಹೆಂಗೆ, ಶಾಂತ ರೀತಿ ಹಮಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋ ಆಗೇ ಬಢಾಯೆಂಗೆ. डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका. स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है. अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972959599 और 8050828793. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ SNews ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.